as a welfare state, it is imperative for the government to ensure the happiness of maximum number of people by creating opportunities. मतलब कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो हमारी खुशहाली, हमारी इस चीज को ध्यान दे कि ज्यादा से ज्यादा देश के लोग क्या हों, खुशहाल हों, और उसके लिए वो तमाम योजनाएं बनाती रहती है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, उसके लिए मौका एंड कंडीशन फॉर इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, आर्थिक समृद्धि एंड इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ हमारी जीविका और रहन सहन में सुधार हो सके, उसके लिए कहते हैं गुड लिविंग कंडीशन। हर कोई जो है अबव पावर्टी लेवल से ऊपर उठे, गरीबी रेखा से ऊपर आए, सरकार इसलिए बहुत से वर्क करती है। यहाँ पे आपका है गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज, जिसमें नंबर वन एजुकेशन, शिक्षा, और बेसिक नीड्स भी है। Educated people are an asset to their country as well as the nation. अभी मैं बताया था ना कि शिक्षा, जो शिक्षित लोग हैं वो अपने परिवार और अपने राष्ट्र। हाँ बेटा आवाज ना आए, ऑडियो म्यूट कर लीजिए। हाँ खच खच जो कर रहा है वो आवाज में आए जिससे आपको क्लियर बात सुनाई दे, नहीं तो आप बोलोगे सुनाई नहीं पड़ रहा है। किसकी ऑडियो, इसको म्यूट कर लीजिए। Beside education, empower them with skill that contribute to the efficiency of the government and increase national income. कह रहा ना beside education, education empower मतलब इसके अतिरिक्त क्या है? Education एक ऐसा हथियार, एक ऐसा यंत्र है जिसको हम कह सकते हैं कि जिससे अपने स्किल से वो देश की सशक्तिकरण में अपना योगदान दे करके उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को ग्रोथ कर सकता है। बताया था हमने जैसे कि मान लो रिच रिसोर्स है, ठीक है चलिए आयरन माइंस है, कोल माइंस भरा हुआ, पेट्रोलियम भरा हुआ, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल्ड लोग नहीं हैं, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है, क्या होगा? हम तब भी पिछड़े रहेंगे क्योंकि हम अपना रॉ मटेरियल बेचेंगे, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? जब उसका फिनिश प्रोडक्ट बना के, और फिनिश प्रोडक्ट कब बनाएंगे? जब टेक्नोलॉजी होगी। टेक्नोलॉजी कब होगी? जब स्किल्ड पीपल होंगे, इंजीनियर्स होंगे हमारे यहाँ, कुशल लेबर होंगे जिससे इंडस्ट्रीज लग सके, योजनाएं बन सके, तो ज़्यादा ग्रोथ होगा। इसलिए एजुकेशन जरूरी है, और गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से शिक्षा में सुधार करने के लिए कई बार जो है उसने आयोग बैठा है, जैसे कोठारी आयोग 1964 में कोठारी की अध्यक्षता में जो है आयोग बना, कोठारी कमीशन जिसको कहा जाता है, और डेवलपमेंट्स एंड मेड सेवरल रिकमेंडेशन इन दिस रिकॉर्ड। उन्होंने इसका अपना रिपोर्ट जो दिया उसमें कई इम्प्रूवमेंट्स, कई सुधार के लिए मांग की। कॉन्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 में, और उसके बाद फिर उसमें और सुधार करके एक नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया। द पॉलिसी इंक्लूड अ सीरीज ऑफ मेजर्स सच एज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आप जानते हो कि इस समय क्या है फ्री एंड कंपलसरी? 6 to 14 ईयर्स बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त है। उनको कॉपी किताब, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, ड्रेस और मिड डे मील सब कुछ दिया जा रहा है, मतलब 8th तक की क्लास के बच्चों को। लड़कियों को हायर तक का आज उनको मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। द अपॉर्चुनिटीज, द प्रोलीफरेशन ऑफ लिटरेसी एंड रिफॉर्म इन एग्जामिनेशन प्रैक्टिस एमंग अदर्स, द पॉलिसी 1986 इंक्लूडेड मोर ऑब्जेक्टिव सच एज द वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन and the need for public and private efforts to eradicate illiteracy among others. निरक्षरता को इरेडिकेट करना मतलब एक्सपर्ट, उसको आउट करना, समाप्त करना, साक्षरता ज़्यादा से ज़्यादा करना। ओवर द ईयर द सेंट्रल एंड द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट हैव एक्सक्यूटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसीज टू डेवलप
द एजुकेशन सेक्टर इन द कंट्री, जैसे 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, चलो स्कूल चले हम, देखते हो ना, सब सब पढ़ें सब बढ़ें, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत मतलब सबको शिक्षा मिले, लॉन्च विद इन द एम टू प्रोवाइड द एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स बेसिक एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 years, इट इज टाइम बाउंड प्रोग्राम, मतलब एक टाइम किया गया था कि इसके तहत ये उद्देश्य को पूरा कर लिया जाए। अगला है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक मतलब माध्यमिक 9th, 10th, 11th, 12th, 2009 में लॉन्च हुआ, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द पब्लिक स्कूल थ्रू आउट इंडिया। अगला है साक्षर भारत, इसके तहत 2009 में अभियान चला, नियर अबाउट 80% से अबव लोगों को साक्षर करने के लिए, लिटरेट और मोस्टली जो है एडल्ट वीमेन महिलाओं को, प्रौढ़ शिक्षा अभियान आप सुने होंगे चलता था गांव में वृद्धों को पढ़ाने के लिए, मिड डे मील मध्यान्ह भोजन, यस, एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन, इसको किया गया जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आए, उनकी उपस्थिति बढ़े और उनको न्यूट्रिएंट्स पोषक उनका कुपोषण से भी वो बच सकें। अंडर द जवाहरलाल नवोदय विद्यालय स्कीम, नवोदय विद्यालय जो आप जानते हैं पहले इसका एम था ग्रामीण एरिया में ओपन होता था और कुछ जिलों में शुरू हुआ, अब तो मोस्टली हर जिले में है, ग्रामीण बच्चों में गरीब बच्चों को और एजुकेटेड मेधावी बच्चों को इसके लिए था, ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, लेकिन अब तो सबके लिए हो गया और ज़्यादातर इसमें शहरी बच्चे ही आते हैं। वोकेशनल स्ट्रीम हैव बीन डेवलप टू इक्विप अ लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट विद वोकेशनल स्कूल, ओवर द पास्ट 50 years देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, और पिछले 50 सालों में विश्वविद्यालय कॉलेज आज इसकी संख्या टेक्निकल कॉलेज आज तो भरमार है। अगला है हमारा हेल्थ, ये भी बेसिक नीड्स है, अगर हेल्थ ही नहीं होगा तो वेल्थ कहाँ से होगा, कहते नहीं गुड हेल्थ गुड वेल्थ, अगर हम स्वस्थ होंगे तभी कोई वर्क कर पाएंगे और देश का विकास तभी होगा, तो हेल्थ में इम्प्रूव करने के लिए सरकार समय समय पर आप देखते होंगे ग्रामीण एरिया में ANM है, आंगनबाड़ी हैं, आशा बहू हैं, CSC, PSC, सामुदायिक केंद्र जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सब बहुत से बने हुए हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हैज इम्प्लीमेंटेड द सेवरल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम थ्रू आउट द कंट्री टू टेकल द मीनेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो संचारी और असंचारी रोग हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल एंड एरेडिकेशन ऑफ डिजीज लाइक पोलियो, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, ट्यूबरकुलोसिस, TB, एड्स, डेंगू, कैंसर कंटिन्यू द मेजर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन द सेंट्रल हेल्थ सेक्टर। बिसाइड दिस देयर आर आल्सो सेवरल नेशनल वाइड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, मतलब टीकाकरण जिसको कहते हो, प्रतिरक्षी हमारी इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए समय समय पर टीकाकरण होता है, जैसे पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता था और वैक्सीनेशन होता है, छोटे बच्चा जब पैदा होता है तो उसको BCG का टीका बहुत 2-3, 9 महीने, 15 महीने सब पे लगता रहता है, तो ये चीज़ें हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM के तहत जो है, कॉपी अब कल मिलेगा, अभी नहीं चेक किया, देख लो क्या है ले लो, अब पढ़ाने लगे इर्थ वालों को, अभी नहीं चेक किया ना, आओ कल नहीं आए तो फिर समझ लेना, हाँ वही चक्कर है ना। ओके, आशा बहू द एक्रीड, आशा का फुल फॉर्म आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, सर आपका पीरियड नहीं रहेगा कल की, कल इकोनॉमिक्स है, कल इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा, ज्योग्राफी नहीं होगा, अब ज्योग्राफी नहीं तो सर का है, सर ने इकोनॉमिक्स निकाल लिया है, इसके बाद ज्योग्राफी लेंगे, कल इकोनॉमिक्स बोल दीजिएगा, वो मैसेज डालें, ठीक है ठीक है, कल इकोनॉमिक्स का टेस्ट है, बता दीजिए सबको। द इसकी वजह से आज काफी इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जो है घटा हुआ है, जो प्रसव के समय मातृ जो
मतलब जननी सुरक्षा जो चला हुआ है, ज़्यादातर जब सुविधाएं नहीं थी तो कभी माँ की डेथ हो जाती थी या गर्भ में ही बच्चा मर जाता था, ये सब आज काफ़ी कम हो चुका है, बिल्कुल रोक लग गया है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप इकोनॉमिक्स में भी इसको क्लास टेंथ वाले पढ़ेंगे, इसको नाइन्थ वाले, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल। आज डेथ रेट कम हुआ है, आज इतनी दवाइयाँ हो गई, इतनी सुविधा हो गया है कि जिससे डेथ रेट भी कम हो गया है। इन एडिशन टू पब्लिक सेक्टर द प्राइवेट सेक्टर आल्सो प्रोवाइड, पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा आज प्राइवेट सेक्टर्स जो है हॉस्पिटल खुले हुए, लेकिन क्या है सर ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा कि इकोनॉमिक्स का और उसका टेस्ट भी होगा, नहीं तो। हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज आर वेरी कॉस्टली, आप जान रहे हो प्राइवेट में फीस महंगा है, जो है जो सरकारी में 10,000 में हो जाएगा वो प्राइवेट में लाखों में नहीं हो पाता है। सरकारी में तो फिर एक रुपये का पर्चा बनवा लीजिए, आप जाइए दिखाइए, जांच कराइए, सब कुछ कर लीजिए। ऐसे ही आयुष्मान योजना भारत सरकार ने चलाया है, अभी जो है 2017 में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तहत, जिसमें गरीब परिवारों सबको कार्ड बनता है और उस कार्ड के तहत आप प्रत्येक वर्ष 5,00,000 तक का अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो बहुत से सरकार ने बहुत सी चीज़ें किया है, और 5,00,000 पर फैमिली अगले पेज पर है, 2-10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज इन द कंट्री अकाउंटिंग फॉर आलमोस्ट 37% ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या का करीब 37% लोगों को चीज, एंड 1,50,000 हेल्थ सब सेंटर्स इंटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स टू इम्प्रूव द स्कोप फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। अब आपका ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमें बहुत कुछ बताना नहीं है, कई बार आप पढ़ चुके हो रोडवेज क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड ट्रांसपोर्ट, आप जान रहे हो वेरी इंपॉर्टेंट फॉरस, बिकॉज नेशनल इकोनॉमी में बिना ट्रांसपोर्ट्स के हम कोई चीज़ इधर से उधर नहीं पहुँचा सकते, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश प्रोडक्ट हो। और आज ट्रांसपोर्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, 4 लेन 6 लेन 8 लेन, और रूरल एंड अर्बन एरियाज के जो रोड्स हैं सब कनेक्ट हैं एक दूसरे से। रेलवेज लार्जेस्ट नेटवर्क है एशिया में और सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क आपका वर्ल्ड में है इसका। अभी हाई स्पीड ट्रेन हमारे यहाँ नहीं है, बुलेट परियोजना चल रही है, मेट्रो चल रहा है, सब कुछ। और फिर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर 2002 के एक्ट तहत इसको आर्टिकल 21 के तहत इसे बेसिक नीड्स मान करके लाइफ राइट टू लाइफ के तहत इसको मान लिया गया है। क्लीन वाटर सप्लाई कराना सबको पानी की सुविधा, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी भी है, शहरों में म्यूनसिपलिटी जो है नगर पालिका इसकी जिम्मेदारी देती है। द एक्सीलरेशन रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम 1972-73 के तहत एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। वाज क्रिएटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1999 में जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ही एक नया उसमें जोड़ा गया है सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, साफ सुरक्षित पानी की आपूर्ति मंत्रालय, सैनिटेशन साफ सफाई लेटरिन सुविधा आज ये भी बहुत ज़रूरी है। सैनिटेशन देख रहे हो आप, सुलभ शौचालय हर घर में शौचालय दिया जा रहा है जिससे लोग बाहर न जाएं, स्त्रियां बाहर न जाएं, और इसके लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं काम कर रही हैं। सुलभ इंटरनेशनल जो है आपका टोटल सैनिटेशन कैंपेन वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 1999 में, पूर्णतया जो है स्वच्छता अभियान के तहत जो है ये सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। यस, यहाँ पे टॉयलेट शौचालय या सुलभ, द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दीज प्लान्स एंड स्कीम मे बी मेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होली आर शेयर पासली, तो जो इसके द्वारा इम्प्लीमेंट में काम पैसा खर्च होता है उसके द्वारा जो होता है पूरा गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है या कुछ उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होती है। द गवर्नमेंट मेट्स दीज एक्सपेंसेस पर्सनली फ्रॉम टैक्सेस, और सरकार जो है खर्चा कहाँ से लेती है, मतलब प्राप्त करती है जो पैसा आता है इनकम वो टैक्सेस से लेती है, और रोड टैक्स है, एजुकेशन है, पार्सली
from the service charges and the public pays for using these facilities. और हम देखते हैं जब शहरों में हम जाते हैं तो वहाँ पे पैसा दे करके लैट्रिन वहाँ शौचालय में गए तो वो जो पैसा कलेक्ट होता है उससे भी अपना करते हैं. प्राइवेट जो शौचालय खुले हुए हैं वो अपना वो भी पैसा लेते हैं 10 रुपया 5 रुपया, लेकिन आप आराम से उसमें फ्रेश हो गए, नहाना धोना सब हो जाता है आपका. नीति आयोग ये 2015 में मोदी जी जब गवर्नमेंट में आए बीजेपी, उसके बाद उन्होंने प्लानिंग कमीशन योजना आयोग जो बना हुआ था 1950 में उसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया. द बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री द इंस्टीट्यूशन रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इंस्टीट्यूटेड इन 1950 सो दैट इन द सिनेरियो ऑफ चेंज रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री द इंस्टीट्यूशन शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग एंड मोर इंटीग्रेटेड वर्ल्ड दैट इंडिया इज अ पार्ट. और इसका प्रेसिडेंट जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, चेयरमैन और बाकी उसके मेंबर्स होते हैं. नीति मीन्स होता है पॉलिसी, या नीति स्टैंड फॉर नेशनल, फुल फॉर्म अंडरलाइन कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इट एंडेवर्स टू हेल्प इंडिया इमर्ज एज मेजर इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड. तो ये चैप्टर आपका पुनः फिनिश हो गया, रिविजन हो गया. क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आप इसके करिएगा और उसको ग्रुप में भेजिए और कंप्लीट जरूर श्योर करिए पूरा. तो सिविक्स आपका फिनिश हो गया, रिवाइज करिए पीरियाडिक थर्ड के लिए. और पीरियाडिक थर्ड में आपका एक एक चैप्टर आएगा, हिस्ट्री से एक चैप्टर, 6 चैप्टर हिस्ट्री और 6 चैप्टर ज्योग्राफी, मतलब जो हाफ ईयरली के बाद वाले चैप्टर हैं वो एक एक चैप्टर आप मान के चलिए तैयार करिए दो दो चैप्टर. अब आपका बचा 3 चैप्टर ज्योग्राफी में, 3 बचा सिविक्स में, वही पढ़ाना अगले दिन से. आप तैयार रखिए, कंप्लीट रखिए. ओके.